सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। सिरका कंपनी के द्वारा गिरी जा रही मिट्टी जिससे वातावरण दूषित हो रहा है, जहाँ से ट्रक भरकर चलते हैं और जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मिट्टी और लोड ट्रकों से गिरते हुए जाती है और रास्ते में धूल उड़ती रहती है, आने जाने वाले वाहनों को नुकसान पहुँचा रही है और इससे क्षेत्र का वातावरण दूषित तो होता ही है, साथ ही क्षेत्र में भयंकर बीमारियाँ भी पाँव पसेर रही है। आप ये देख रहे हैं गाँव भोरगढ़ के पास जो मिट्टी डाली जा रही है ये उसका डस्ट है और ये डस्ट हमें खड़ा होने से रोक रहा है, क्योंकि ये इतना डस्ट है यहाँ पर। आप देख रहे हैं जाते हुए ट्रक किस तरह धूल उड़ाते हुए जा रहे हैं और दिल्ली सरकार कह रही है कि ऑडी वन लगाएंगे। आप इस पर रोक लगाइए सबसे पहले तो, कि जो जो धूल जो उड़ रही है और ये जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है इसकी वजह से कितने मासूम बच्चे और वृद्ध व्यक्तियों को इससे नुकसान हो रहा है। ये ट्रक यहाँ पर रोज इसी तरह से धूल उड़ा रहे हैं और आने वाला समय यहाँ पर अस्थमा देकर जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी भारी धूल यहाँ पर उड़ रही है और ये पूरा दिन ऐसे ही रहता है। आप ये देख रहे हो ट्रक जो निकल कर आ रहा है वो ट्रक कितनी धूल उड़ाता हुआ रहा है और यहाँ पर कोई पानी छिड़कने का भी कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिसकी वजह से जब भारी मात्रा में धूल उड़ती है। शायद हाईकोर्ट के ऑर्डर का किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं ओवरलोड गाड़ियां भरकर जा रही हैं मिट्टी की और ये मिट्टी उड़ती हुई जा रही है, रोड पर धूल उड़ाती हुई जाती है जो आने जाने वालों वाहनों को भारी क्षति पहुंचा सकती है और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ना ट्रैफिक पुलिस ना दिल्ली पुलिस का इस तरफ ध्यान है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है, कोई इनको टोकने वाला नहीं है। हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई भी किसी किस्म की पॉल्यूशन या कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, लेकिन बावजूद उसके फिर भी खुदाई का काम जारी है और मिट्टी ढुलाई जारी है।